तो दोस्तों आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं Redmi TV का फुल ऑन रिव्यू, और मैं बताऊंगा कि भाई ये 55 इंच का जो टीवी है, मतलब इसके तीन साइज आते हैं 50, 55 और 65। तो 55 दोस्तों आता है लगभग 39,000 के आसपास एंड 50 आता है लगभग 34,000 के आसपास। तो इस पर्टिकुलर प्राइसिंग में क्या आपको इस टीवी के बारे में सोचना चाहिए, मतलब क्या प्राइस ज़्यादा है या फिर आपको इस पैसे में एक वैल्यू फॉर मनी टीवी मिल रहा है, आइए पता लगाते हैं इसके बारे में। तो शुरू करते हैं हम टेक की बात कैडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस टीवी के डिजाइन से, एंड डिजाइन वाइज आपको इस टीवी में प्लास्टिक का जो फ्रेम है वो मिलता है और जो बैक पैनल भी है वो प्लास्टिक का है। अब यहाँ पे आपको टीवी के साथ स्टैंड भी मिल जाता है, और ये जो स्टैंड है दोस्तों ये टीवी के एकदम दोनों कॉर्नर्स पे फिट आता है। तो जब आप इसको अगर टेबल टॉप पे माउंट करने का अगर सोच रहे हैं तो ये जान करके चलिएगा कि काफी ज्यादा ये स्पेस लेगा। और दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर नंबर देख पा रहे हैं जो कि एग्जैक्ट इंचेस ये लेगा अगर आप इस टीवी को यूज कर रहे हैं तो। अब इसके बाद दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी, वॉबल वगैरह नहीं हो रहा था। इस टीवी के साथ आपको माउंट नहीं मिलता है अगर आप इसको वॉल माउंट करना चाहते हैं, बट एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन आप Xiaomi को बोल सकते हो कि ठीक है भाई मुझे इसमें टीवी माउंट लगाना है, एंड डिपेंडिंग अपॉन आपको कैसा माउंट चाहिए, फिक्स माउंट चाहिए या स्विवल माउंट चाहिए, तो आपको 500 से लेकर के 1500 रुपये के बीच में वो स्टैंडर्ड माउंट्स मिल जाते हैं। तो इंस्टॉलेशन वगैरह में दोस्तों हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, टीवी के अगले दिन बंदा आ गया इंस्टॉल करके चला गया एंड इट वॉज परफेक्ट, कोई भी दिक्कत नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आपको 3 HDMI पोर्ट मिलते हैं, 2 USB पोर्ट मिलते हैं एंड वो आपको साइड में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके जो तीनों HDMI पोर्ट है वो 2.1 है एंड उसमें से दोस्तों एक EARC है। उसके बाद आपको जो ऑडियो, जो नॉर्मल ऑडियो पोर्ट्स होते हैं या फिर अगर आप देखो RJ45 का जो पोर्ट होता है वो आपको टीवी के पीछे नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा। तो ऑफकोर्स अगर आप इसको वॉल माउंट कराते हैं एंड अगर एकदम चिपका हुआ अगर हो दीवार से तो 65 इंचेस एंड इवन 55 इंचेस में वो रीच कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो अगर आप एक बार लगा करके छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बार बार आप उन पोर्ट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों डिस्प्ले के बारे में मैं जल्दी जाऊंगा एंड उसके बाद मैं ऑडियो के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे पहले इंटरनल्स की बात कर लेते हैं, तो आपको 2GB रैम विद 16GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है, क्वाड कोर प्रोसेसर मिल जाएगा एंड टीवी दोस्तों काफ़ी फास्ट है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि इट्स स्लो एंड स्लगेश, नेविगेशन वगैरह परफेक्ट है। पैच वॉल का भी दोस्तों नेविगेशन इट्स वेरी स्मूथ। नाउ पैच वॉल इज समथिंग जहाँ पे आपको हर एक कंटेंट जैसे Z5 हो गया, हॉटस्टार हो गया, उनके जो टीवीज हैं, जो मूवी शोज हैं, जो सीरियल्स हैं आपको वहाँ पे दिखा देगा और आप वहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो। लेकिन बहुतों को दोस्तों ऐसा लगा हमारे पुराने वीडियोस से कि भाई ये फ्री में दिख जाएंगे, नहीं ऐसी बात नहीं है। आपको Z5 में अगर आप कोई वीडियोस देख रहे हो पैच वॉल के थ्रू भी अगर आप देख रहे हो तो आपको उसका सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन होगा तो ही आप दोस्तों पैच वॉल से उसे देख पाओगे, अगर वो फ्री कंटेंट है तो बात अलग है। मैं पेड कंटेंट की बात कर रहा हूँ, तो जो कोई पेड कंटेंट है आप चाहे पैच वॉल से देखो चाहे आप ऐप से देखो आपको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों कंपनी का दावा है कि आपको डॉल्बी ऑडियो एंड डॉल्बी एटमॉस दोनों मिल रहा है। डॉल्बी ऑडियो आपको इसके बिल्ट इन स्पीकर से मिल जाएगा, बट डॉल्बी एटमॉस के लिए आपको एक्सटर्नल स्पीकर्स की जरूरत पड़ेगी जो कि उन्हें सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दोस्तों डॉल्बी विजन भी मिल जाता है, HDR10+ में आप यहाँ पे कंटेंट देख सकते हैं। एंड जहाँ तक कंटेंट के सवाल है अब मैं यहाँ पे डिटेल में बात करूंगा। एंड दोस्तों यहाँ पे मैं QLED टीवी जो रिसेंटली मी ने लॉन्च किया था उसके बारे में बताऊंगा, तो वो थोड़ा सा महंगा है एंड वहाँ पे क्या ना ब्लैक लेवल्स अमेजिंग है जिसके कारण जो ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट जो कलर्स है काफ़ी बढ़िया आते हैं। अब अगर आप 38 से 39,000 के बारे में देखें तो यहाँ पे दोस्तों आपको पैनल मिल रहा है, वो 4K पैनल मिल रहा है, वो QLED पैनल नहीं है, ऑफकोर्स आपको LCD पैनल मिल रहा है, बट फिर भी दोस्तों इसके जो कलर्स हैं काफ़ी ठीक है। व्यूविंग एंगल्स थोड़े और बढ़िया हो सकते थे, बट एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर OS का जो ऑप्टिमाइजेशन है काफ़ी बढ़िया रखा है। नेक्स्ट चीज़ है कि अगर आप यहाँ पे 720p भी कंटेंट देख रहे हैं तो वो आपको दोस्तों यहाँ पे अच्छा जो डिस्प्ले है वो आप स्केलिंग अच्छी तरह कर देता है एंड इतना ज़्यादा लॉस नहीं आएगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई 4K में बहुत ज़्यादा हेजी दिख रहा है। नेटफ्लिक्स में दोस्तों हमने यहाँ पे कंटेंट देख रखा है, Amazon Prime पे कंटेंट देखा है एंड वहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया जो कलर रिप्रोडक्शन है वो देखने को मिल जाएगा। दोस्तों डॉल्बी विजन जो कंटेंट है वो आप नेटफ्लिक्स में देख सकते हो और मैंने यहाँ पे कुछ घंटे उसको देखा था और कलर्स काफ़ी सही थे, थोड़ी सी शार्पनेस यहाँ पे कम लग रही थी, थोड़ी सी स्मूथनेस थी, बट इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। ब्राइटनेस दोस्तों यहाँ पे अच्छी है एंड एट द सेम टाइम जो ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी है एट दिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट जो डॉल्बी विजन मिल रहा है वो मुझे काफ़ी सही लगा।
बट टेक्निकली स्पीकिंग दोस्तों मी QLED टीवी में क्या ना वो ब्लैक लेवल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आते हैं, इसलिए वो ऑफकोर्स प्रीमियम है, बट उसके लिए दोस्तों आपको प्रीमियम प्राइस भी पे करना पड़ेगा। जहाँ तक रिमोट का सवाल है, आपको सेम रिमोट मिल रहा है एंड सॉफ्टवेयर फीचर्स है वो भी सेम है, जैसे डबल टैप में वो म्यूट हो जाता है, इसके साथ आपको गूगल असिस्टेंट देखने को मिल जाएगा, डेडिकेटेड बटन्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, सो रिमोट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं। और बेसिकली आप रिमोट को स्वैप भी कर सकते हो, इट्स अ ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल, तो आप कोई सा भी मी जो रिमोट है यहाँ पे आप यूज़ कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है मुझे काफ़ी सही लगा इस पर्टिकुलर टीवी का, एंड जो ऑडियो वीडियो एक्सपीरियंस है इवन विद द गेम्स एंड एवरीथिंग काफ़ी सही था। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको जो इंटरनल्स बताए थे उससे आप हाई एंड गेम्स नहीं खेल सकते अगर आपके पास ब्लूटूथ कंट्रोलर है फिर भी, बट यहाँ पे आप कैजुअल गेमिंग कर पाएंगे इस पर्टिकुलर टीवी पे। तो ओवरऑल दोस्तों ये एक क्विक रिव्यू था, इसका हम डिटेल्ड फुल ऑन रिव्यू आगे जा करके आप सभी के लिए लेकर के आएंगे। वैसे यहाँ पे दोस्तों इस टीवी के बारे में बताऊंगा कि ऑफकोर्स आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा प्राइसी है, मतलब 25-30 हज़ार रुपये में आपको 4K टीवीज मिल जाते हैं 50-55 इंच के, बट यहाँ पे दोस्तों आपको जो पैनल मिल रहा है सबसे पहली बात तो वो सही है, बिल्ड क्वालिटी इसकी बढ़िया है, एट द सेम टाइम जो ऑप्टिमाइजेशन इन्होंने सॉफ्टवेयर में किया है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर सस्ता टीवी लेते हो तो वहाँ पे कभी नेटफ्लिक्स नहीं चलता है, तो कभी अमेजोन प्राइम नहीं चलेगा, कभी हॉटस्टार नहीं चलेगा, बट यहाँ पे दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, यू पे एंड यू गेट एवरीथिंग, मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नेटफ्लिक्स बहुत सारे बजट टीवीज में नहीं चलते हैं अगर आप 20-25 हज़ार रुपये का टीवी लेते हो। तो फॉर द प्राइस दोस्तों ये टीवी मुझे बढ़िया लगा, ऑफकोर्स आप इसे डायरेक्टली खरीद सकते हैं, बट अगर आपको और प्रीमियम टीवी चाहिए तो आप जो मी का जो QLED टीवी का रिव्यू हमने किया है वो भी जरूर देखिएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, हमारे चैनल GT हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना, अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।